Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to solve question number 6 of exercise 11.1. Question number 6 is draw a triangle ABC with side BC is equal to 7 cm, angle B is equal to 45, angle A is equal to 105 degree, then construct a triangle whose sides are 4 by 3 times the corresponding sides of a triangle ABC. Here we have to construct a triangle having side BC, having side 7 cm and angle 45 degree and 105 degree. Iske liye hamein, we will draw a rough sketch of the given triangle. For example, this is a triangle. Rough sketch of the given triangle. This is A, B and C. Here angle B is 45 degree and BC is 7 cm and this angle A is 105. By angle sum property, this angle becomes 30 degree because the sum of the angles of a triangle is 180. We get this angle 30 degree. अब हम construct करेंगे. We draw BC 7 cm. BC को हमने 7 cm draw किया है. और angle B पर हम 45 degree draw करेंगे. With the help of compass, we can draw this angle. हमने mouth of the compass open किया है. हमने draw किया है एक arc. बिल्कुल सेम रेडियस आर्क का आर्क के साथ हमें अब छेड़छाड़ नहीं करना है. यहाँ पर उस आर्क ने BC को कट किया. यहाँ पे नीडल ऑफ द कंपास एंड दिस इज 60 डिग्री. दिस इज 60. इस 60 का हम इसको हम डिवाइड करेंगे. जहाँ ये कट होता है ये पॉइंट और बी पॉइंट को हम मिलाएंगे. दिस बिकम्स एंगल 90. अब हम 90 एंगल को डिवाइड करेंगे विच बिकम्स 45. हम हाफ ऑफ द दिस एंगल का मोर देन हाफ ऑफ इसका माउथ ओपन करेंगे. एक साइड में यहाँ से एक आर्क डालेंगे और यहाँ से एक आर्क विच इंटरसेक्ट्स दिस पॉइंट. ये पॉइंट और बी को हम मिलाएंगे. दिस पॉइंट एंड बी जॉइन दिस पॉइंट और ये फॉर एग्जांपल दिस इज वाई. वाई बी सी बिकम्स 45 डिग्री. उसके बाद हम एंगल सी पर यहाँ पर हम 105 हम नहीं ड्रा कर सकते हैं बिकॉज हमें पता नहीं है बी से कितना दूर है. ये इट इज़ नॉट गिवन. अब एंगल सी पर हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे. सेम प्रोसीजर. यहाँ पे कंपास का माउथ ओपन करेंगे. एक आर्क ड्रॉ लेंगे. ड्रॉ एन आर्क और इसका 60 और 60 का हाफ करेंगे विच बिकम्स 30 डिग्री. ये इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कहते हैं. ये दो और जॉइन दिस पॉइंट एंड सी विच टचेस द बी विच टचेस बी वाई एट ई. दिस ए बी एंड सी ए बी सी इज द गिवन ट्रायंगल ए बी सी. A, B, C having 45 degree angle, 105 degree angle and 30 degree angle and BC 7 cm. This is given triangle. अब इस given triangle का हमें 4 by 3 triangle draw करनी है. 4 by 3 triangle इससे बड़ी होगी. हम B पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और रे
विच मेक्स एक्यूट एंगल विद दिस बी सी. ये बी एक्स हमने ड्रॉ की है, एक्यूट एंगल बनाती है ये बी सी के साथ. और उसके बाद हम दिस इज 4/3, जो 4 है, 4 पॉइंट्स हम इस पे लोकेट करेंगे. 1 इट्स सेम डिस्टेंस, 3 एंड 4. और जो बी थ्री है, बिकॉज वी हैव 4/3, 3 पे हम 3 और सी को हम ज्वाइन करेंगे. बी थ्री और सी को हम बी फोर पर पर्लर लाइन ड्रॉ करेंगे. पर्लर लाइन के लिए हमें प्रोसीजर है, हम बी थ्री पर आर्क डालेंगे, इसी तरह बी फोर पर आर्क, सेम रेडियस. अब मेजर करेंगे बी थ्री एंगल को, बी थ्री एंगल को मेजर करेंगे, विच इंटरसेक्ट्स दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट, जैसे यहाँ जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है बी फोर, ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये बी सी को सी डैश पर इंटरसेक्ट करता है जब बी सी को हम एक्सटेंड करेंगे. नेक्स्ट स्टेप हम बी डैश पर, सी डैश पर हम ए सी को पर्लर डालेंगे लाइन, सेम प्रोसीजर, सी पे कंपास रख के एक आर्क डालेंगे, बिल्कुल सी पे, सी डैश पर भी आर्क. अब सी इसका मेजर करेंगे, इस एंगल का, यहाँ से इसका भी, जहाँ पे ये कट करता है ये पॉइंट, हम ये पॉइंट और सी डैश को हम मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी वाई को ए डैश पर कट करता है. दिस ए डैश बी एंड सी डैश बिकम्स द रुकायो ट्रायंगल हैविंग 4/3, 4/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल. हियर वी हैव बी सी इज गिवन साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल, बी सी इज द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल एंड बी सी डैश इज द रुकायो ट्रायंगल, द साइड ऑफ द रुकायो ट्रायंगल. इट इज 3 बिकॉज 1, 2 एंड 3 पार्ट्स, और यहाँ पे 4 पार्ट्स, यहाँ तक बी सी तक 3 पार्ट्स. अगर हम बी सी डैश को 4 पार्ट्स करेंगे, 4 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, बी सी तक 3 यूनिट्स और यहाँ तक 4 यूनिट्स, दैट मीन्स इट इज 4/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल. अब इसका हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. एंगल सी के लिए हमें ये, इसको हमने सॉल्व किया है, एंगल सी हमें निकला है 30 डिग्री. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम जो हम स्टेप्स हमने किए हैं. ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45, एंगल सी 30 डिग्री. सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ ए रे बी एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विद बी सी, एक्यूट एंगल बनाता है बी सी के साथ. लोकेट 4 पॉइंट्स बी वन, 4 पॉइंट्स लोकेट करेंगे, बी वन, बी टू, बी थ्री एंड बी फोर ऑन बी एक्स. ज्वाइन बी थ्री सी, बी थ्री सी को हम ज्वाइन करेंगे एंड ड्रॉ बी फोर, एंड ड्रॉ बी फोर सी डैश पार्लर टू बी थ्री सी इंटरसेक्टिंग बी सी एट सी डैश वेन एक्सटेंडेड. इसी तरह फिफ्थ स्टेप ड्रॉ सी डैश ए डैश पार्लर टू सी ए इंटरसेक्टिंग बी ए एट ए डैश वेन एक्सटेंडेड. हिन्स ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश बी सी डैश इज ए रुकायो ट्रायंगल. ये हमारी रुकायो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी डैश, ये ए डैश बी एंड सी. थैंक यू.